देते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, आपसे ना एक शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बोल दो। हाँ, बिल्कुल सारी शिकायत। अच्छा, जब तक शान से मैं मिली नहीं, या काफ़ी लोगों का ये होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, जाहिर बात होती है क्या, तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ना आपसे मुझे लगता है बड़े गुस्से वाले। अच्छा, ये मुझे काफी लोगों ने कहा है। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा यार शान, यार उनको मेरा कोई सवाल बुरा ना लग जाए, यार मैं क्या बात करूंगी, कहाँ से शुरू करूंगी। तो मैं डरी हुई थी कि आप मुझे सोच समझ के, तो आप गुस्से वाले हैं या नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। ऑनेस्टली वाकई वाकई मैं, मुझे सिर्फ गुस्सा तब आता है जब सामने वाला झूठ बोले, एक तो ये भी, और दूसरा ये कि जब कोई मेरे मुल्क को, या मेरे मुल्क को तोड़े, या मेरे पाकिस्तान के कोई भी हिस्सा ऐसा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे PIA हो, चाहे रेलवेज हो, कोई भी ऐसा शोभा हो जो नीचे जा रहा हो, और जिम्मेदार लोग जो होते हैं, मुझे उन पर बहुत गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, उस वक्त आपको गुस्सा आता है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा हम आपके साथ भी बात करें, रेगुलर लाइफ में आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग, उनमें अगर गुस्सा आता है उन पर कभी, तो वो किस बात पे आता है? वो बहुत से गुस्से हैं, मतलब मिसाल के तौर पे एक हमारे हीरो थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो भी हीरो हैं। तो हम लोग इकट्ठे शॉट दे रहे थे, तो वो अब बताना पड़ेगा कि वो एक तरह से कौन है, क्योंकि वो क्रिकेटर से हीरो बने थे। ओके। तो मैं भी सेट पे था, तो वो गर्मी थी, धूप थी। अब वो मेरा होता है कि जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं भी कभी छतरी साथ, और कभी वो चीज़ें मुझे नहीं होता है, बिकॉज आई लव वर्किंग जो है हैंड्स ऑन। मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरा काम, मेरा शॉट नहीं हो रहा है तो मैं लाइट ठीक करनी शुरू कर दूंगा, कैमरे के पीछे चला जाऊँगा। इसी तरह मुझे अपने, अगर आज मैं काम कर, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर, आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेज जो है, वो यही खड़ा है सामने, कैमरामैन जो हैं, वो उनसे सीखना बहुत कुछ है, एपर्चर क्या रखा हुआ है, लाइट कौन सी मेरी बेहतरीन है। सो आई थिंक मुझे मज़ा आता था शुरू से ही इस काम में। सो सिर्फ मुझे तब ज़रा सा फील होता है कि जैसे जब काम में कोई रुकावट आए, तो वो जो हीरो थे वो छतरी थी, और वो कह रहे थे मुझे ठंडा तौलिया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैं उनकी शक्ल देखता रहा, मुझे बड़ा सख्त गुस्सा चल रहा था क्या उस मैं रुका हुआ अपना फन लेके, और तुम्हें तौलिए से फुर्सत नहीं। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो तब कौन सी छतरियाँ, कौन सी छतरी थी जो आपने रखी हुई थी? मैंने कहा काम करें आके यहाँ पे, यू नो, ये नखरे वखरे जो है ना, ये अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक है, एक हद तक। हाँ, एक हद तक, काम के वक्त नहीं, काम के वक्त नहीं, आई थिंक काम की फ्लोर में रुकनी नहीं चाहिए किसी तरह। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आप अगर गुस्से में हो तो आप बोल देते हैं, लेकिन लाउड नहीं होते? अगर मैं बोलूंगा नहीं तो आपको पता चल जाएगा, मुंह पे आ जाता है। अच्छा, है ना? और झूठ भी नहीं बोल सकते होंगे फिर आप? झूठ बोलते हुए मुझे हंसी आ जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके ओके।